इस वीडियो में आप इतिहास के 10 ऐसे रहस्यों को जानोगे जिनका जवाब तलाशने की कोशिशें सालों से की जाती रही हैं, लेकिन वो रहस्य आज भी एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। नंबर 1, सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरह से की थी। पुलिस द्वारा इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एक एनोनिमस लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने यह लिखा था, मैं ही असली कातिल हूं। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिवर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद यह सामने आता है कि यह लेटर एक झूठ था, लेकिन तब तक जैक द रिपर यह नाम व्हाइट चैपल और लंदन में पूरी तरह फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद यह पता नहीं चल पाता कि वह 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इस घटना को 130 साल बीत जाने के बाद आज भी लोग इस मिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 2, श्राउड ऑफ ट्यूरिन। ये एक ऐतिहासिक कपड़ा है जो कि इटली के ट्यूरिन शहर के सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में रखा हुआ है। इस कपड़े पर एक आदमी की छवि बनी हुई है। कहा जाता है कि यह तस्वीर ईसा मसीह की है। माना जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उन्हें दफनाने के लिए इसी कपड़े में लपेट कर रखा गया था, और इस कपड़े पर जो ये एक आदमी की छवि बनी हुई है, ये ईसा मसीह के ही शरीर के निशान हैं। रिसर्चर्स इस कपड़े की काफ़ी छानबीन कर चुके हैं। जब इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो सामने आया कि यह कपड़ा 12वीं या 13वीं सदी का हो सकता है, लेकिन जीसस तो 2000 साल पहले हुए हैं। एक इटालियन फिजिसिस्ट का ये कहना है कि साइंटिफिक टूल्स के जरिए ये साबित नहीं किया जा सकता कि यह कपड़ा जीसस का है या नहीं। रिसर्चर्स इस कपड़े को पूरी तरह से झूठा साबित करने में नाकाम रहे हैं, और ये एक रहस्य बना हुआ है कि यह कपड़ा कहां से आया था और इस पर दिखाई देने वाला ये इंसान कौन है। नंबर 3, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं 15th सेंचुरी की एक पेंटिंग में यूएफओ का दिखाई देना? शायद आप माने या ना माने, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को भी एलियंस जैसी किसी हस्ती का आभास था, और ये एलियंस वगैरह की बातें हमारी दुनिया में नई नहीं हैं। हिस्टोरियंस मानते हैं कि पुराने समय से ही लोगों को आकाश में यूएफओ नजर आते रहे हैं। यहाँ तक कि उस समय के आर्टिस्ट्स ने अपनी पेंटिंग में इन्हें कैप्चर भी किया था। उनमें से एक थे इटली के पेंटर डोमेनिको गिरलांदायो। इन्होंने 15th सेंचुरी में एक पेंटिंग बनाई थी, मडोना विद सेंट जोवानिनो। पेंटिंग के बैकग्राउंड में एक आदमी मौजूद है। उसने अपना हाथ चेहरे पर रखा है और वो आसमान से आ रहे एक अजीब से दिखने वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है। अब ऐसा मानने वाले बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये पेंटर अपनी इस पेंटिंग के जरिए हमारे लिए एक संदेश छोड़कर गए हैं कि कैसे उन्होंने एलियंस के साथ कम्युनिकेट किया। लेकिन फिर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये थियोरी बिल्कुल बकवास है। वो कहते हैं कि ये एक धार्मिक पेंटिंग है और ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट कुछ नहीं बल्कि एक देवदूत हो सकता है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को देखकर ये नहीं लगता कि ये कोई फरिश्ता या देवदूत है, बल्कि ये एक उड़न तश्तरी की तरह दिखाई देता है। नंबर 4, जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सबसे चहेते प्रेसिडेंट्स में से एक थे। 22 नवंबर 1963 को इन्हें पब्लिकली असैसिनेट कर दिया गया था। ली हार्वी ओसवाल्ड को जॉन एफ कैनेडी का कातिल माना जाता है, लेकिन उनकी हत्या को 57 साल बीत जाने के बाद आज भी बहुत लोग ये कहते हैं कि शायद ली हार्वी ओसवाल्ड रियल किलर नहीं थे, क्योंकि जिस वक्त प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई उस वक्त वो उनकी कार से बहुत दूर थे। लोग मानते हैं कि प्रेसिडेंट का हत्यारा कोई और व्यक्ति था और वो गोली चलाने के बाद वहां से फरार हो गया होगा। अब जो मिस्ट्री में बताने वाला हूं वो एक महिला से जुड़ी हुई है। जब प्रेसिडेंट कैनेडी को गोली मारी गई
उस वक्त उनकी कार के आसपास बहुत लोग मौजूद थे और मीडिया भी थी जिसने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया था। जब FBI प्रेसिडेंट की हत्या से जुड़े फोटोग्राफ्स देख रही थी तब उन्हें एक महिला नजर आती है जिसने हेड स्कार्फ पहना हुआ है, इसीलिए फोटोज में उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं देता। FBI देखती है कि उस औरत के हाथ में शायद एक कैमरा है और वो उस घटना की तस्वीरें ले रही है। बाद में उस महिला को ढूंढने की बहुत कोशिशें की जाती हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं मिलता। फिर FBI उस औरत से अपील करती है कि वो जो कोई भी है सामने आए और जो भी तस्वीरें अपने कैमरा से उसने ली हैं वो हमें दे दे ताकि केस में कुछ मदद मिल सके, लेकिन वो महिला सामने नहीं आती है। वो कौन थी कोई नहीं जानता। FBI को जिस बात ने हैरान किया वो ये कि घटना के दौरान उस महिला का बिहेवियर काफ़ी स्ट्रेंज था। लोगों को अपनी जान बचाने की पड़ी है, वो इधर उधर भाग रहे हैं और ये महिला बिना किसी फिक्र के फोटोज लेने में व्यस्त है। अब ये तो आज तक पता नहीं चल पाया कि ये औरत कौन थी, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी थियोरीज सामने आई थी। एक थियोरी ये कहती है कि यही औरत असली कातिल हो सकती है और इसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि गन है। इस महिला का बाद में नाम पड़ा बबुश्का लेडी, क्योंकि इसने अपने सिर पर जो हेड स्कार्फ पहना था उसे आमतौर पर रशियन ग्रैंड मदर्स पहनती हैं और रशियन लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को बबुश्का कहा जाता है। नंबर 5, अमेलिया एयरहार्ट एक अमेरिकन पायलट थी। अमेलिया पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने अकेले हवाई जहाज में बैठकर अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरी थी। इन्होंने और भी बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए थे और अपनी हवाई यात्राओं के बारे में बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी थी। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने का प्लान बनाती हैं और जून 1937 में वो अपनी हवाई यात्रा शुरू करती हैं। 2 जुलाई 1937 को पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ान भरते हुए अमेलिया का हवाई जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। जहाज गायब होने के कुछ घंटे बाद ही अमेलिया और उनके हवाई जहाज को ढूंढने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, लेकिन अमेलिया और उनके हवाई जहाज का कुछ पता नहीं मिलता। अमेलिया को ढूंढने की हजारों नाकाम कोशिशों के बाद 5 जनवरी 1939 को उन्हें मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। इतना वक्त बीत जाने के बाद आज भी अमेलिया और उनके हवाई जहाज का अचानक गायब हो जाना एक रहस्य है। बहुत से अनुमान लोगों द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि अमेलिया और उनके हवाई जहाज के साथ क्या हुआ था। नंबर 6, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता एक बेहद विकसित सिविलाइजेशन थी। 1920s में इस सिविलाइजेशन के 2 बड़े शहरों हड़प्पा और मोहनजोदारो की खोज हुई थी। माना जाता है कि इस सभ्यता की शुरुआत करीब 5000 साल पहले हुई थी। इस सभ्यता के लोग उस समय के हिसाब से काफी आधुनिक थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो से जो अवशेष मिले हैं उन्हें देखकर ये पता चलता है कि इन शहरों के लोग एक बेहतरीन जिंदगी जीना सीख चुके थे। ये लोग पकी हुई ईंटों के मकानों में रहते थे। इन शहरों में बड़े भवन, ऊंची इमारतें बनी हुई थी। घरों के गंदे पानी को निकालने के लिए ढकी हुई नालियां बना रखी थी और लोगों के नहाने के लिए बड़े हमाम बने हुए थे। अब एक सवाल जिसने इतिहासकारों को सालों से परेशान किया हुआ है वो ये कि कैसे इस बेहद विकसित और विशालकाय सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुए 100 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इसके विनाश का कारण आज भी एक हिस्टोरिकल पजल बना हुआ है। बहुत सारी थियोरीज दी जाती हैं। कुछ कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन या बाढ़ ने सभ्यता को खत्म कर दिया। कुछ कहते हैं कि कोई महामारी फैली थी और कुछ मानते हैं कि यहां आर्यों ने हमला किया था। नंबर 7, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट्स सालों से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। अगर हम किसी प्राचीन भाषा को समझ पाते हैं तो इससे हमें अपनी प्राचीन दुनिया के बारे में काफी बातें पता चल सकती हैं और इतिहास के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में 19th सेंचुरी के आखिर में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में 120 सिंबल्स हैं।
इन सिंबल्स का मतलब क्या है कोई नहीं जानता। इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती कि ये स्क्रिप्ट कैसे और कब वजूद में आई होगी। ये माना जाता है कि 1860 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इस लिखित भाषा का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खो गया। अब मैं आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। ये रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। ईस्टर आइलैंड सिंधु घाटी से 20,000 किलोमीटर दूर है। हैरानी की बात है, दो अलग अलग जगह पर जन्मी भाषाएं एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती हैं। दोनों ही भाषाओं को अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। नंबर 8, स्टोनहेंज इंग्लैंड में मौजूद पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। इनको जमीन खोदकर गोलाकार स्थिति में खड़ा किया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि स्टोनहेंज तकरीबन 5,000 साल पहले बनाया गया था। इस हिसाब से ये इजिप्ट के पिरामिड से भी पुराना है। प्राचीन मनुष्यों ने इसे किस पर्पस के लिए बनाया था ये अभी तक हम जान नहीं पाए हैं। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि शायद स्टोनहेंज को किसी एस्ट्रोनॉमिकल या हीलिंग पर्पस के लिए बनाया गया होगा। रिसर्चर्स मानते हैं कि उस जमाने के लोगों के पास जिस तरह के औजार मौजूद थे उसे देखकर यह लगता है कि इसके निर्माण में सैकड़ों साल लगे होंगे। नंबर 9, इंग्लैंड में एक स्मारक है जिसे शेपर्ड्स मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1763 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक पर निकोलस पूसन की पेंटिंग द आर्केडियन शेपर्ड्स बनी हुई है और इसके बिल्कुल ठीक नीचे 10 अक्षर का एक कोड लिखा हुआ है। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 250 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस कोड को क्रैक नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड का मतलब समझने की कोशिश की थी। अगर आपने दा विंची कोड मूवी देखी है तो आपको होली ग्रेल के बारे में पता होगा। बहुत से थियोरिस्ट्स ये मानते हैं कि अगर इस कोड को समझ लिया गया तो ये होली ग्रेल की लोकेशन तक लेकर जाएगा। बहरहाल कुछ भी हो, दो सदियां बीत जाने के बाद आज भी ये दुनिया का सबसे मशहूर कोड है जिसे डिकोड नहीं किया जा सका। नंबर 10, पेरू देश की राजधानी लीमा से 350 किलोमीटर दूर नाजका रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान में 80 किलोमीटर के एरिया में बेहद विचित्र और विशाल रेखाएं बनी हुई हैं। इन्हें नाजका लाइंस कहा जाता है। इन रेखाओं को 2000 साल पहले बनाया गया था। इन रेखाओं में 800 स्ट्रेट लाइंस हैं, 300 ज्योमेट्रिक डिजाइंस हैं और 70 रेखाएं ऐसी हैं जिनमें जानवरों, पक्षियों और इंसानों की आकृतियां बनी हुई हैं। ये आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें जमीन पर खड़े होकर देखा या समझा ही नहीं जा सकता। इन आकृतियों को देखने के लिए आपको हवाई जहाज में बैठकर 1000 फीट ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको पूरी आकृतियां दिखाई देंगी और समझ आएंगी। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सालों बिता दिए हैं नाजका लाइंस के रहस्य को समझने के लिए, लेकिन आज तक ये समझा नहीं जा सका कि किसने इतनी विशाल आकृतियां बनाई थी और क्यों बनाई थी। वहां के लोगों की यह मान्यता है कि ये इंसानों का काम नहीं है, ये किसी दूसरे ग्रह से आए लोगों द्वारा बनाई गई आकृतियां हैं। लेकिन अगर इनके पीछे इंसानों का ही हाथ है तो हैरानी की बात यह है कि 2000 साल पहले उस जमाने के लोगों ने बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के ऐसे चित्र बना दिए जिन्हें सिर्फ आसमान से ही देखा जा सकता था। अगर आप इनमें से किसी टॉपिक पर एक स्पेसिफिक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।